अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके दांतों में दर्द रहता है गोश्त खाने के बाद, तो उनके लिए ये नुस्खा है। ये देसी किक्कर है, इसके पत्ते कुछ इस तरह के होते हैं। तो इसका जो दरख्त होता है उसकी हमने थोड़ी सी छाल उतार लेनी है। छाल उतारने के बाद ये देखें, इस तरह से इसकी छाल उतार लेंगे और ये ऊपर जो खुश्क होती है वो हमने नहीं लेनी, जो नीचे से बिल्कुल गीली होगी, जो ताज़ा होगी वो हम लेंगे इसमें से। ये देखें, इस तरह से आपने उतार लेनी है और अब इसको ले चलेंगे घर। घर ले जाकर इसको एक बर्तन में लेंगे, बर्तन में 1 लीटर पानी डालना है। पानी डालने के बाद हमने इसको 15 से 20 मिनट अच्छे से पका लेना है। जैसे ही 15 से 20 मिनट इसको अच्छे से पका लेंगे उसके बाद हमने इसको ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसको छान कर एक गिलास में अलग कर लेंगे और 2 से 3 दिन आप इसको फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको करना क्या है, आपने मुंह में डालना है और दांतों के दरमियान अच्छे से कुल्ली करनी है, इसको गले में नहीं लेके जाना। और इंशाल्लाह एक ही बार के इस्तेमाल से आपके दांत का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर